सब एक साथ कीजिएगा, अलग अलग नहीं। लिखे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल बेसिक। Fluids has no shape and size. Sorry, it has no shape and size. Fluid has no shape and size, and it takes the shape of container. जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का ये शेप ले लेगा। अब यहां पे हम लोग एक बात करते हैं फ्लूइड्स में रिलेटिव डेंसिटी या सिंपल स्पेसिफिक डेंसिटी, दोनों का मतलब एक ही है। रिलेटिव वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, किसी के रेस्पेक्ट में डेंसिटी की एनालिसिस करना। अगर मैं किसी के रेस्पेक्ट में डेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो किसी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डेंसिटी की कंपैरिजन करते हैं? वाटर। कितने टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वॉटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, आर्यन भी ऐड हो रहा है।
रिलेटिव डेंसिटी आपका डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग फ्लूइड्स के बारे में बात करें तो फ्लूइड्स में देखा हमें किन किन चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। फ्लूइड आपका क्या हो, रेस्ट पोजिशन पे हो। जब फ्लूइड रेस्ट पोजिशन पे होता है तो हम लोग किन चीज के बारे में पढ़ते हैं, प्रेशर के बारे में। अब फ्लूइड क्या हो, मोशन में है। तो यहाँ पे मोशन का मतलब दो तरीके से, या तो फ्लूइड मूव कर रहा हो, या तो आपने जिस बकेट में आपने फ्लूइड को रखा हुआ है वो मूव कर रहा है। ठीक है, मोशन का मतलब ये, दोनों चीजों के एनालिसिस करेंगे कि मान लीजिए बकेट में पानी है उसको लेके मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, तो फ्लूइड पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। बकेट में पानी है, मैं बकेट को क्या कर रहा हूँ, रिवॉल्व कर रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ। ठीक, बकेट को क्या ले रहा हूँ, एक स्लेंटेड हाइट पे मूव कर रहा हूँ। तो ये सभी डिस्कशन हम लोग मोशन भी पढ़ेंगे। ठीक, और इसी में सेकंड बाइफर्केशन करते हैं फ्लूइड में, जब लिक्विड आपका क्या हो, फ्लो कर रहा हो, जहां पे हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनसे भी टर्म्स। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जब फ्लूइड आपका क्या है, रेस्ट पे है। फ्लूइड्स एट रेस्ट, तो अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो अगर हम लोग सिंपल प्रेशर के बारे में बात करें, प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो मेरे को पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये स्केलर है कि वेक्टर, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं देखा जाता, स्केलर है। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे ये तो पता है ना कि यहाँ पे एरिया भी वेक्टर होता है, फोर्स भी वेक्टर होता है, क्योंकि आप लोग पढ़ा हुआ आपने 11th 12th, तो हम लोग जब भी एरिया के बारे में बात करते हैं तो एरिया का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, एरियल वेक्टर हमेशा लिखते हैं, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या मैं वेक्टर में ऐसा लिख सकता हूँ, दो वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, मैथ्स नहीं पढ़ा क्या, पूछेगा मैथ्स वाले सर से कि क्या दो वेक्टर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उनसे रीजन भी पूछे क्यों नहीं कर सकते। ठीक, ये मैथ्स का टर्म है कि अगर हम लोग दो वेक्टर का डिवीजन लिख रहे हैं तो दो वेक्टर का डिवीजन कर सकते हैं कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, दो वेक्टर का डिवीजन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे फोर्स कौन सा लेते हैं, जो कि एरिया के परपेंडिकुलर, तो याद रखिएगा एफ का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया। आपने कहा कि एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसकी डेंसिटी रो है, ये हाइट एच है, मेरे को इस वाले पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है। अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर देखूं तो ए पॉइंट पे फोर्स पर यूनिट एरिया, ए पॉइंट पे फोर्स कौन लगा रहा है, कितना mg, तो वाटर पे लग रहा है, वो सब फॉर्मूला मत बताइए क्या, कैसे आया, बेसिक चीज क्लियर नहीं होगी तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे पिक करेंगे, वाटर की वेट, अब हम लोग प्रेशर लग रहा है, वाटर की वेट तो वो तो ग्रेविटी लगा रहा है वाटर से। मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, आपने कहा mg, mg तो वेट हुआ ना, ठीक है, ये mg तो ब्लॉक पे लग रहा है। हाँ हाँ, क्या बोला, हाँ सही बोला, अर्थ इसको पर एक नॉर्मल लगा रहा है और ये भी इसको पर एक नॉर्मल लगा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर के बाद आर्किमिडीज भी पढ़ना है, बेसिक को ध्यान रखिए,
कि यहां का अगर मैं ए पॉइंट के बारे में बात करूं तो ए पॉइंट पे कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। एमजी तो क्या है? एमजी तो ये है कि इस वॉटर पे ग्रेविटेशन पुल कितना लग रहा है, वो एमजी। वो भले एन इज एमजी हो, वो अलग पॉइंट है। एन की वैल्यू यहां पे क्या है, एमजी के इक्वल ही है, लेकिन यहां पे ए पॉइंट पे फोर्स कौन लगा रहा है? वॉटर लगा रहा है। कितना लगा रहा है? नॉर्मल। ठीक है, अगर मैं एफबीडी पे आऊं तो यहां पे नॉर्मल तो एमजी के इक्वल है ना, क्योंकि वॉटर का मोशन नहीं हो रहा है, मलिक रेस्ट पोजीशन पे है। अगर रेस्ट पोजीशन पे तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। मलिक ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? नॉर्मल। और नीचे फोर्स कितना लग रहा है? एमजी, ब्लॉक के ऊपर। तो एन इज इक्वल टू एमजी होगा ना, एनएलएम में ये तो करते आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है, जो कि ए पॉइंट पे लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एयर है तो एयर भी तो अपना प्रेशर लगा रहा है, पी नॉट। ठीक है, पी नॉट क्या है? प्रेशर ड्यू टू एयर। और मैं नीचे आ रहा हूं तो एक नॉर्मल भी लग रहा है। तो यहां का अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर लिखूं तो कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस नॉर्मल पर यूनिट एरिया, ये होगा ना नेट प्रेशर एट पॉइंट ए। तो अगर यहां पे अगर आप लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे तो पी नॉट प्लस नॉर्मल किसके इक्वल है? एमजी डिवाइडेड बाई एरिया। एम, एम को क्या लिख सकते हैं आप लोग? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसको आपने लिखा पी नॉट प्लस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट इंटू जी डिवाइडेड बाई एरिया, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि ए पॉइंट पे प्रेशर ड्यू टू वॉटर, वॉटर के कारण कितना प्रेशर है? रो जी, ये तो आपने ग्रॉस प्रेशर लिखा है कि एयर प्लस वॉटर दोनों के कारण ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है, लेकिन रो जी एच का मतलब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर किसके कारण है? वॉटर के कारण। ठीक, मान लीजिए ऐसा कोई कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, एक पॉइंट ये है पी पॉइंट, एक पॉइंट ये है टू पॉइंट, कुछ और है। मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। अभी जो आपने यहां पे लिखा था, यहां पे रो जी एच, जो फॉर्मूला अभी आपने लिखा था रो जी एच ड्यू टू वॉटर, मैंने डायग्राम ये लिया था, ये बकेट था, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना थ्रू दिया था। ठीक, तो जब हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे थे या मैं जब बता रहा था, तो इस पॉइंट के ऊपर पानी का जो लेवल होता है वही एच होता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर निकालना है, मेरे को इस वाले पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो इस पॉइंट के ऊपर पानी का लेवल क्या है? एच हाइट है। ठीक है, वो एच यहां पर आएगा। अब मैं यहां पे अगर देखूं, यहां पे देखिए ए पॉइंट के ऊपर तो ये एच है ना, बी पॉइंट के ऊपर ये एच है, सी पॉइंट के ऊपर ये एच है। ठीक, तो यहां पे इस वाले पॉइंट पे इसको मैं एच वन मानता हूं, इसको एच टू मानता हूं, इसको एच टू मानता एच थ्री मानता हूं। तीस वाले पॉइंट पे वाटर के कारण प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी एच वन। इस वाले पॉइंट पे रो जी एच टू, इस वाले पॉइंट पे रो जी एच थ्री। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं, हर एक पॉइंट पे जो हाइट है वो अलग अलग है। अगर हर एक पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। अगर दो पॉइंट्स हैं, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और इस पे भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो ये तो मूव करने लगेंगे ना। तो लॉजिकली सोचिए, देखिए
दो पॉइंट्स है, एक पे फोर्स मैंने 10 न्यूटन लगाया, दूसरे पे आपने 5 न्यूटन का लगाया, तो ये पार्टिकल्स तो मूव करने लगेंगे ना। लेकिन बकेट में आपने पानी रखा हुआ है, अगर मैं बकेट में पानी रख दूं, ठीक है, स्टेबल है, तो क्या पानी मूव करके रहते हैं ऐसे ऐसे? वो स्टेबल रहते हैं, रेस्ट पोजिशन पे रहते हैं। अगर वो रेस्ट पोजिशन पे है, इसका मतलब इस लेवल पे ए का, बी का और सी का फोर्स क्या होना चाहिए? सेम सेम होगा तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक। तो अगर फोर्स सेम है, कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, या सिंपल हम लोग क्या कहते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, करंट फ्लो करता है। मेरे लिए सबसे आसान तरीका वही है समझाने का। तो यहां पे अगर मैंने कहा कि ए पॉइंट पे प्रेशर ये है, बी पॉइंट पे प्रेशर ये है, तो ये वाला प्रेशर ज्यादा है, तो क्या करेगा लिक्विड, कैसे मूव करेगा? बी से ए की तरफ, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जैसे आपका करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा बीकर बना दिया, उसमें पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से ये पार्टिकल्स आपके मूव नहीं करते। फिर मैंने दूसरा पॉइंट सोचा कि अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर आपका सेम होना चाहिए। अगर प्रेशर सेम होना चाहिए, लेकिन मेरे को ये पता है एच तो दोनों में अलग अलग है, मैं इसके साथ तो कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकता, क्योंकि एच तो फिक्स है, इसका एच H2 रहेगा, इसका एच H1 ही रहेगा। अब यहाँ पे सोचा गया कि यहाँ पर ये वाला प्रेशर ज्यादा है, तो मतलब कि ये वाला प्रेशर भी इसी के इक्वल होना चाहिए, तभी लिक्विड मूव नहीं करेगा यहाँ से यहाँ। तो ये वाला अगर प्रेशर इसी के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि इधर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा, वो एक्स्ट्रा फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? नॉर्मल, ये कॉन्टेक्ट है ना कंटेनर का, तो कंटेनर का कॉन्टेक्ट यहाँ पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा, नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये थ्योरी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बीकर बना दिया, बोला कि एस तो ये है, तो थ्योरी का क्वेश्चन था, चार ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से कौन सा करेक्ट होगा, प्रेशर क्यों इक्वल हो रहा है? तो आप लोग कहेंगे कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट है जो कि इस वाले प्रेशर को इसके इक्वल बना रहा है। आगे समझ में, नोट कर लीजिए। अनुष्का कहाँ थी 2 दिन? सर स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहा है। ठीक है, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। तो बता देता हूँ, अब हम लोग पर डे आपकी क्लास होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैट की क्लास थी, मैंने आप मॉर्निंग में बताया था, आप नहीं आई थी, तो इलेक्ट्रोस्टैट की क्लास हर एक इवनिंग में 5:45 से 6:20 या 6:30, मेरी जितनी हिम्मत, 2 घंटे खड़ा होना तकलीफ देता है पैर, मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और जो रेगुलर चल रहा है वो चलता रहेगा, 5:45 से हम लोग 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट कराएंगे पर डे, और फ्राइडे फिक्स है, ठीक। और कल मैं आप लोगों को टाइमिंग बता दूंगा फ्राइडे की, एक दिन तो मैनेज हो जाएगा ना आर्यन मॉर्निंग, ठीक है, तो बस एक दिन मैनेज कर लीजिएगा फ्राइडे को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर मैं लिक्विड लेवल पे ऊपर से नीचे आ रहा, प्रेशर कितना था पी नॉट, और जैसे से नीचे आ रहा हूं तो वाटर प्रेशर लगा रहा है रो जी एच, ठीक। अगर मैं लिक्विड कॉलम में डाउन मूव करूं वर्टिकली डाउन, तो प्रेशर इंक्रीज होगा कितने अमाउंट से, रो जी एच अमाउंट से। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करूं, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड किसी बीकर में रखा हुआ है, इसका मतलब हर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमारा सिंपल कंक्लूजन क्या है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करूंगा तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करवा रहा हूं।
यू शेप का ट्यूब है, इसमें आपने क्या रखा, दो लिक्विड रखे और यहां पे आपने एक मेम्ब्रेन लगा के रखा, ठीक। इधर लिक्विड की हाइट आपकी एल है, इधर भी लिक्विड की हाइट कितनी है आपकी एल है, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड आपने डाला है इसकी डेंसिटी 2 रो है और यहाँ पे जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है। अब मैंने क्या किया है, इस मेम्ब्रेन को ओपन कर दिया, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हटाऊंगा तो लिक्विड मूव करेगा ना लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड आफ्टर ओपनिंग द मेम्ब्रेन। देखो बेसिक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब ये टैप को ओपन करूंगा तो कॉमन सेंस तो ये है कि ये लिक्विड कहां मूव करेगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट वाले का जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये लिक्विड इतना नीचे आ गया और यहां पे लिक्विड ऊपर चला गया, ये कितना लिक्विड नीचे आया, आपने कहा कि एक्स लिक्विड नीचे आया हाइट इनिशियल पोजीशन से, तो यहां पे भी तो इनिशियल पोजीशन से एक्स हाइट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको शिफ्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, ठीक। अब आपने दो पॉइंट ले लिए, या आपने कहा ए पॉइंट है या आपने कहा बी पॉइंट है। अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर लिखूं, ये लेंथ तो एल थी जो पहले से था, अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर लिखूं तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, ऊपर से कौन लगा रहा है प्रेशर, एयर, और उसके बाद ये लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो जी, एच की वैल्यू एल प्लस एक्स। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट, और डेंसिटी कितनी है, टू रो, और ये डिस्टेंस कितनी बची है, एल माइनस एक्स। तो मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिक्विड तो अभी स्टेबल आ गया ना, स्टेबल आ गया, इसका मतलब ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर क्या हो चुका होगा, सेम। तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो यहां से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, रो रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जी भी कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 2L माइनस 2X, तो X इज इक्वल टू एल बाई 3। क्लियर है, अभी तक तीन लिक्विड ले लीजिए, क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए भी पसंद कर। अच्छा दोस्त पेन थोड़ा तेज चलाइए, अभी तक आप इंतजार कर रहे थे, ड्रॉपर वैसे पेन चलते रहना चाहिए, मैं बोलते रहा आपका पेन चलता जाए, इलेवेंथ में टाइम रहता है कि आराम से बैठा हूँ बोलूँ फिर लिखा पर आपसे 15 मिनट फिर मैं बोलूँ फिर लिखूँ। हो गया, वही यू शेप का है। अब आपने क्या किया, तीन लिक्विड ले लिए, ये भी L लेंथ का है, ये भी L लेंथ का है और ये भी आपका L लेंथ का, तीन अलग अलग लिक्विड है। मैं इसको लिक्विड को थोड़ा ऐसे बता, एक लिक्विड ये है जो L लेंथ का है, एक लिक्विड ये है और एक लिक्विड ये है, तीन लिक्विड अलग अलग, इसकी डेंसिटी 3 रो है, इसकी डेंसिटी 2 रो है, इसकी डेंसिटी रो है। फाइनल पोजिशन, ये इसको शिफ्ट करेगा ना लेफ्ट साइड में, तो वही इक्वेशन बना दें,
हो गया। मान लीजिए कि लिक्विड इतना ऊपर आ गया, यहां पे कौन सा लिक्विड आ गया? ये वाला। और यहां पे कौन सा लिक्विड आ गया? नीचे, ये वाला। ऐसे होगा ना, ये ऐसे लिक्विड इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले की डेंसिटी सबसे ज्यादा। इस वाले लिक्विड की लेंथ कितनी थी? एल, जो पहले वाली लिक्विड थी, ये तो पहली है ना। मैंने कहा एक्स शिफ्ट हुआ तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा, ये एक्स नीचे आया तो ये कितना बचा? L माइनस एक्स। इस वाले पॉइंट का प्रेशर और इस वाले पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। A पॉइंट का प्रेशर हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर से कितना है? P नॉट प्लस इसका कितना है? रो जी एल। इसका कितना है? टू रो जी इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू। B पॉइंट पे प्रेशर ऊपर से कितना है? P नॉट प्लस थ्री रो जी एल माइनस एक्स। दोनों प्रेशर को इक्वल कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है? हो गया। इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन आया था, मेरे को डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली ले लेता हूं। एक लिक्विड ये यहां पे मेम्ब्रेन लगा के रखा हुआ, एक लिक्विड आपकी ये, और इसका रेडियस आ रहा है, ठीक। ये जो लिक्विड है मैंने इसकी डेंसिटी मान ली टू रो, और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी मान ली मैंने थ्री रो, ठीक है। अब ये मैं मेम्ब्रेन को हटाऊंगा तो लिक्विड किस डायरेक्शन में मूव करेगा? राइट डायरेक्शन में। तो मेरे से पूछा गया फाइन थीटा, कितना एंगल रोटेट होगा ये लिक्विड? आफ्टर रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन इमिसिबल लिक्विड है, इसको मानते हुए चलिएगा।
आर्यन आपके यहाँ कहाँ तक करवा दिया फिजिक्स में? मैकेनिक्स में फ्रिक्शन तक हो गया था, और अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू हो गया, बस इतना ही हुआ है बस। तो उन्होंने टारगेट कब तक का रखा है? कुछ बात नहीं हुई? वही तो उन्होंने बोल दिया कि फेब मार्च तक, फेब तो बहुत मुश्किल है, और मार्च तक शायद ही हो पाए। मतलब कि टारगेट अप्रैल तक का है। आंसर नहीं पता, रैंडमली दे रहा हूँ, मेरे को क्या पता, निकालना पड़ेगा। चलिए मैं इसको थीटा एंगल मूव कर देता हूं। ये लिक्विड कहा आपने, ये थीटा एंगल नीचे आ गया, तो यहां से लिक्विड थीटा एंगल ऊपर चला गया होगा। ये क्लियर है ना? मैं ये लिक्विड ले लेता हूं, ये लिक्विड है। ये यहां तक आ गया, ये पहला लिक्विड, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को यहां पे कलर नजर आते हैं कि व्हाइट ही नजर आता है? मेरे को ये नहीं पता, कलर नजर आते हैं ऑनलाइन में? व्हाइट अच्छा, व्हाइट है। ये तो मेरे कलर यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है अगर आप लोगों को व्हाइट ही नजर आ रहा है। सही में दूसरा कलर नजर ही नहीं आता? फिर बेकार में कलाकारी कर रहा हूं। ये ब्लू नजर आ रहा है? ये भी व्हाइट नजर आ रहा है? ये भी व्हाइट है? दोनों व्हाइट नजर आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं। अच्छा, ये लिक्विड अलग है, यहां से दूसरी लिक्विड स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अगर सब व्हाइट नजर आ रहे तो। अरे पहले बताना चाहिए था ना, मैं इतने दिनों से मान के चल रहा था कि आप लोगों को दूसरे कलर नजर आते हैं। चलिए अब आगे मैं यहां पे देखूं, ये आर है, ये रेडियस आर है, तो क्या मैं ये हाइट निकाल सकता हूं? ये वाली हाइट, ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा, ठीक है। ये हाइट कितनी है? ये टोटल हाइट, ये तो आर है, रेडियस की इक्वल, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? ये क्लियर है? अब हम लोग इधर आते हैं। ये वाली लिक्विड यहां तक है, तो मेरे को ये हाइट पता होनी चाहिए ना कि ये हाइट कितनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका आर है, ये कैसे निकालूं? वो फिगर में बाई चांस वो इक्वली नजर आ रहा है, लेकिन ये कैसे निकालूं कि ये कितना हाइट होगा? देखिए ये वाला एंगल भी कितना मूव हुआ होगा, थीटा सेंटर से भी तो थीटा ऊपर गया होगा ना ये, ठीक है। तो ये मेरे को पता है ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा,
ठीक। अब ये टोटल हाइट कितनी है आर, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, आर वन माइनस कॉस थीटा, और ये वाली हाइट कितनी होगी, ये आर है, ये तो मेरे को पता है ये आर है, ठीक है। आर में से ये वाली हाइट माइनस कर दें तो ये वाली हाइट आ जाएगी, और ये वाली हाइट कितनी होगी, ये आर है तो ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, ये वाली हाइट प्लस आर में से ये वाली हाइट माइनस कर देंगे, ये समझ में आया, बस मेन यही करना है यहां पे। अब दो बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये पॉइंट आपने ए मान लिया, यहां पे पॉइंट आपने बी मान लिया, ठीक। तो ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या, सॉरी प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, पी नॉट एनर्जी रो जी एच, ये कितना था रो, थ्री रो, थ्री रो जी एच। इस वाले पॉइंट से लिक्विड लेवल कितने हाइट पे है, आर वन माइनस साइन थीटा, इज इक्वल टू इस वाले पॉइंट पे ये वाली लिक्विड, ये कितनी हाइट पे है, टू थ्री रो जी आर वन माइनस कॉस थीटा, प्लस ये वाली लिक्विड इसकी हाइट ये रही, टू रो जी आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब तो ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई, अब तो थीटा निकाल सकते हैं ना आप लोग। हो जाएगा, बस इक्वेशन लिख लीजिए जो भी है आपका, पहले आंसर कुछ और आता फिर बाद में कुछ और हो जाता है, क्या मतलब कि फर्स्ट सेकंड में गलती करेंगे आप। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आ इसे tan थीटा 1/5 आ जाएगा। हां हां बोलिए सर, इसे tan थीटा 1/5 आ जाएगा। हां ठीक है, जो भी पहली बार है सर, एक चीज और पूछनी है। अच्छा tan थीटा की, हां हां सर, मैंने तो सर ट्रिग्नोमेट्री लगाई नहीं, मेरा तो ऐसे ही आ गया tan थीटा 1/5, सिंपल फार्मूला। वही p नॉट प्लस क्या, हां सर क्या क्या क्या, मैं सर खुद एक बार देख रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। हमने ऊपर हाइट मानते हैं ना, अच्छा। L तो L तो ऐसे पिछली में L माना था ना, हाइट हाइट हमेशा हाइट, हाँ तो सर वो L तो बराबर हो गया R के, है ना सर। तो सर P नॉट प्लस थ्री रो जी इंटू L माइनस X, X से कम हो गया सर, इक्वल टू टू रो जी इंटू L प्लस X, ठीक है सर। इससे x की वैल्यू l बाय फाइव आ जाएगी, ठीक है सर। l बराबर r है तो x की वैल्यू हो गई r बाय फाइव, अच्छा ठीक है सर। अब आपने सर जो ट्रायंगल बनाया कि ऊपर की तरफ सर, हमें x की वैल्यू पता है r by 5 है, और हमें ऐसे पता है r है, तो tan थीटा r by 5 upon r हो गया। सही है सही है सही है, समझिए सही है, ठीक है, वो तरीका भी सही है। ये क्लियर है ना सबको,
आर्यन का तरीका जिन्होंने सुना जो ऑनलाइन थे उनका तरीका भी सही है, ठीक है। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता है, कौन सा प्रेशर, क्या फ्लूइड पढ़ने के लिए कहा था ना, पढ़ा है ना, हाँ तो बताइए। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। हाँ लिखिए, इट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक बीकर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। मैंने एक ट्यूब लिया, ट्यूब को मैं क्या करूं, इस पानी के अंदर डाल दूं, ठीक। मैंने एक ट्यूब लिया, इसको पानी के अंदर डाला और इसको पूरा पानी भरने दिया मैंने, ठीक है, पूरा पानी भर गया। अब इसको ट्यूब को पानी के अंदर ही मैंने इसको वर्टिकली अप किया, ये लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद इसको धीरे धीरे ऊपर लेकर आ। ऐसा करते हैं ना, घर पे भी करके देखिएगा, बॉटल ले लीजिएगा जिसमें पूरा पानी ऐसे भर लीजिएगा, ठीक, और उसको बॉटल को उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसको ऊपर लेकर आइएगा, बॉटल का मुंह नीचे होना चाहिए, उल्टा मत कर दीजिएगा कि पानी भर लिया इसको ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है ना, इसका मुंह नीचे होना चाहिए, ठीक है, और ये एक तरह से ओपन होना चाहिए, भरी हुई बॉटल मत लीजिएगा, एक तरह से ओपन। तो उसके बाद जब हम लोग ऊपर उल्टा करते हैं तो आपको कुछ ऐसा शेप नजर आता है, ये ट्यूब है, ठीक, और इसमें पानी भर गया, यहां पे वैक्यूम रहता है, थोड़ा सा खाली नजर आता है, ठीक है, ये वैक्यूम है, एयर नहीं है। क्यों एयर नहीं है, क्योंकि तो जब आपने यहां पे पानी के अंदर बॉटल डाली थी तो उसके अंदर पूरा पानी भरने दिया था आपने, उसके बाद क्योंकि पूरे एयर पार्टिकल्स निकल गए, क्योंकि पानी ने उसने पूरी जगह ले ली। अब आपने उसको उल्टा किया ताकि वैक्यूम रहे, एयर ना हो, अगर एयर होगा तो एयर के कारण भी प्रेशर ऐड होने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग ये पॉइंट को जानते हैं कि इस वाले पॉइंट पे प्रेशर और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर दोनों सेम होंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कौन लगा रहा है, एयर, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कौन लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, क्योंकि इसके ऊपर तो सिर्फ लिक्विड है और ऊपर वैक्यूम है, ठीक है ना। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन ले रहा था ऊपर ओपन था, इसमें मैं पी नॉट ले रहा था, यहां पे नहीं है एयर वगैरह, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, बी पॉइंट पे प्रेशर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, रो जी एच, ये जो भी हाइट एच है, ठीक है, तो पी नॉट शुड बी इक्वल टू रो जी एच। अगर मान लीजिए यहां पर बैरोमीटर में हम लोग मरकरी यूज करते हैं ना, जो आप लोग जानते हैं कि मरकरी यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि वाटर क्यों नहीं यूज करते, वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर मैं वाटर यूज करता, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 180 एम इज इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल, ठीक, रो 1000, जी 10 एच, तो ये अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10⁴, मतलब कि एच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर आ जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू निकाल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वाटर यूज करता तो यहाँ से 1 atmospheric प्रेशर मेजर करने के लिए मेरे को लगभग ट्यूब की जो लेंथ लेनी पड़ती वो 10 मीटर से ज्यादा लेनी पड़ती। अब 10 मीटर खुद ही सोच के देख लीजिए, 10 मीटर की तो लैबी होती है 20-30 मीटर की स्कूल में, ठीक है,
और 10 मीटर के एक ट्यूब रख देंगे, उसको आप खड़ा ही करते रह जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे वाटर यूज नहीं करते हैं टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर मरकरी होता तो हाँ, तो कितना आता 1.01 × 10⁵। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है 1,360 kg/m³ × 10 × हाइट ऑफ मरकरी। तो हाइट ऑफ मरकरी कितनी आ जाएगी 76 cm ऑफ। तो 1 atmospheric प्रेशर इज इक्वल टू 76 cm ऑफ मरकरी, सिंपल 760 mm ऑफ मर्करी। क्लियर है? नोट कर लिया? मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या करता है? ये कलर भी आप लोगों को व्हाइट में करा रहे हैं। चलिए हाँ, मैनोमीटर क्या करता है? लिखे इट मेजर गैसियस प्रेशर। अगर किसी चैम्बर में गैस भरा हुआ है तो उसको मेजर करता है। इट मेजर गैसियस प्रेशर। तो मैनोमीटर देखिए कैसा होता है। इस यू शेप ट्यूब में मरकरी भरा रहता है। ये मरकरी है और यहां पे स्केल बना रहता है। ये स्केल है और यहां पे गैस है। अब यहां पे गैस क्या कर रहा है? यहां पे गैस यहां से निकला और उसने मरकरी को ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया। इस वाले पॉइंट पे वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो मरकरी पहले क्या था, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। यहां पे गैस के कारण प्रेशर लगा तो ये मरकरी क्या ऊपर मूव करेगा। ठीक, तो यहां पे आपने कहा कि यहां पे जो प्रेशर लगा वो किसके कारण लगा? गैस के कारण। अब मेरे को पता है कि सेम हाइट पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। ठीक, तो इस वाले पॉइंट पे अगर मेरे को प्रेशर लिखना है तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? ये हाइट मान लीजिए एच है, तो ऊपर से क्या लग रहा है? प्लस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू गैस। तो ये जो आपने प्रेशर निकाला, इस प्रेशर को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर मैं सिंपल रोजीएच की बात करता तो इस प्रेशर को क्या कहते हैं? गॉस प्रेशर। एग्जाम में पूछा गया है कि एब्सोल्यूट प्रेशर बताइए और गॉस प्रेशर बताइए। अगर गॉस प्रेशर बताना है इसका मतलब ओनली ड्यू टू मर्करी हाइट। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ले लेते हैं।
आगे सर जी। Force on wall due to liquid. मैंने मान लिया कि जैसे कि आप लोग बात करते हैं कि आपके पास एक वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक है, उसके अंदर आपने पानी भर दिया, तो पानी भर दें तो हमें ये चीज का ध्यान में रखना पड़ता है कि कितने हाइट, मतलब इसकी कैपेसिटी डिफाइन करते हैं कि 500 लीटर है, 1000 लीटर है, ये 10 गैलन है, 1000 गैलन है, ठीक है। तो जिस हिसाब से वाटर की कैपेसिटी होती है कि हाँ जो भी वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी क्या है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान में रखना पड़ता है कि फोर्स कितना लगा रहा होगा उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो उस हिसाब से उतना फोर्स मेरा जो वाटर टैंक है उसको वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, ठीक है। अगर वो उस फोर्स को नहीं झेल पा रहा तो हो सकता है कि वाटर टैंक ही फट जाए, ठीक। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है किसी भी वाटर टैंक की, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, इन सब पैरामीटर्स को, कि मैं जो भी मटेरियल यूज करूं कम से कम वो जो भी लिक्विड उसके अंदर डाला जा रहा है जिस पर्पस के लिए मैं यूज कर रहे हैं वो उतने फोर्स को झेल पाए, ठीक है, उसको विथस्टैंड कर पाए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, ठीक। तो हमने मान लिया, सिंपल सा डेरिवेशन करने के लिए मैं क्या मान लेता हूं कि एक मेरे पास वाटर टैंक है जिसका शेप कैसे है, क्यूबॉइडल, ठीक है, ताकि मेरे को डेरिवेशन आसान हो जाए। मैंने मान लिया कि क्यूबॉइडल शेप का वाटर टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये पूरा इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक। अब मैं क्या मानना चाहता हूं कि मेरे को यहाँ पे फोर्स निकालना है किसी भी वाई हाइट पे, कि वाई हाइट पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा स्मॉल एलिमेंट पे। ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया और इसकी थिकनेस कितनी है, डी वाई। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि हम लोग कमरे में हैं, इस कमरे में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक, और मैं किसी भी सामने वाली वॉल पे निकालना चाहता हूँ कि इस वाली वॉल पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। और इस वाले फोर्स पे अगर मैं निकालना चाहूँ, मेरे को लेकिन ये पता है कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है, अगर हर एक पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है इसका मतलब मेरे को यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को नेट फोर्स मिलेगा कि हाँ इस वाले सामने वाली वॉल पे कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो मान लीजिए ये वॉल है, सामने वाली वॉल है, ये बोर्ड, इस बोर्ड पे पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक। मैंने क्या लिया, इस बोर्ड पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी वाई, ये डी वाई थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक, जो कि यहां से कितनी हाइट पे है, बॉटम से वाई हाइट पे है। अब ये जो आपने लिया था इसकी मैं लेंथ ब्रेथ हाइट में लिख लेता हूं कि यहां पे आपने मान लिया कि इसकी ये ए है, ये टोटल हाइट इसकी बी है और ये सी है, ठीक है, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक। इस डिफरेंशियल एलिमेंट, ये बोर्ड है, बोर्ड का ये डीवाई थिकनेस है, ये वाली, इस वाले पे कितना फोर्स लगा रहा होगा लिक्विड इधर की तरफ, ठीक है। ये मैं फोर्स कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो इस वाले हाइट पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। मान लीजिए टंकी बंद है तो एयर का प्रेशर नहीं लगेगा ना, ये तो पता है ना, अगर टंकी क्लोज की हुई तो एयर का प्रेशर नहीं लगेगा, हम लोग किसका प्रेशर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर, ठीक। तो इस वाले हाइट पे ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, b माइनस वाई हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है,
रो जी एच, एच की वैल्यू बी माइनस वाई, ये तो प्रेशर हो गया, प्रेशर इनटू एरिया, ये डिफरेंशियल एलिमेंट है। इस डिफरेंशियल एलिमेंट कैसा नजर आ रहा है आपको, एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। इस डिफरेंशियल एलिमेंट की अगर मैं लेंथ देखूं तो लेंथ किसके इक्वल है, सी, सी के इक्वल है, ठीक। तो सी इंटू डी वाई, ये क्या आ जाएगा, स्मॉल फोर्स, ये स्मॉल फोर्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो नेट फोर्स मिल जाएगा, कीजिए फटाफट इंटीग्रेट करके निकालिए कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे y वेरिएबल है, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके टोटल हाइट कितनी है b तक, फाइनल वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। रो जी सी बी स्क्वायर, ये आ रही है हर एक की वैल्यू। अब देखिए इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग बुक में देखें, तो एक अलग तरीके से लिखा रहता है फॉर्मूला, अगर इसको ध्यान से मैं देखूं, टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर कितना है, टॉप मोस्ट पॉइंट का जीरो, टंकी क्लोज है, ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर कितना है जीरो, बॉटम मोस्ट पॉइंट का प्रेशर कितना है रो जी एच, मतलब कि रो जी बी, ठीक है। तो प्रेशर एट टॉप मोस्ट पॉइंट प्लस प्रेशर एट बॉटम मोस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय टू इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया या सिंपल एरिया ऑफ वॉल, ये होगा फोर्स ऑन वॉल। टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर कितना है जीरो, बॉटम मोस्ट पॉइंट का प्रेशर कितना है रो जी एच बी डिवाइडेड बाय टू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं एवरेज प्रेशर, एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, ठीक। तो आपने एवरेज प्रेशर निकाला इनटू एरिया ऑफ वॉल, इस वाले वॉल को देखें तो इसका एरिया कितना है बी इंटू सी, तो देखिए वही आ गया ना। आ गया समझ में, नोट कीजिए। इस वॉटर टैंक को ध्यान से देखिए, आपने देखा कि ये वाला जो वॉल है, ये वाला जो वॉल है, ये वाला वॉल, इस वाले वॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स आपने निकाल दिया, फोर्स निकाला ना, यही तो निकाला फोर्स, ये फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो इमेजिन कीजिए यहां पे इसके अबाउट, सिर्फ और सिर्फ इसको देखिएगा और सब चीजों को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इसको इमेजिन करेंगे इस वाली चीज को, ठीक, और सबको भूल जाइए और कुछ नहीं है। मैंने कहा कि एक आपके पास ये सरफेस है, ये वॉल तो मेरे को ऐसे नजर आएगा ना सामने से, ये वॉल नजर आएगा,
आपने कहा कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स निकाल लिया जो भी आ रहा था, ठीक। तो अगर मैं इस वाले वॉल को देखूं, तो इस पे फोर्स सीधा लग रहा है, ठीक। तो क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, ठीक है। तो ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एज के अबाउट, ठीक है। तो ये इस एज के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, फाइंड टॉर्क अबाउट ए बी, फाइंड टॉर्क अबाउट ए बी। यहां पर हर एक पॉइंट पे फोर्स अलग अलग है, तभी तो मैंने स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट डिवाइड लिया था। आप लोग डायरेक्ट फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कर सकते, ये थोड़ा पता कि फोर्स कहां पे लग रहा है। ये तो मैंने नेट फोर्स निकाला है कि इस वॉल पे नेट फोर्स इतना लग रहा है इधर की तरफ, लेकिन ये कैसे पता कि नेट फोर्स किस वाले पॉइंट पे लग रहा है। कोई एग्जैक्ट पॉइंट है ना कि इस वाले पॉइंट पे लगेगा कि सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। मेरे को ये पता है कि इस वाली वॉल पे नेट फोर्स इधर है, लेकिन मेरे को ये पता है कि हर एक पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। तो मैं तो उसी कॉन्सेप्ट से करूंगा कि स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट पे फोर्स निकालूंगा, और इस स्मॉल फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालूंगा, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, उसके बाद इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन अगर गलत से लग गया, मेरे को एक ही शब्द पढ़ाने दीजिए, फिजिक्स मैथ्स इन्वॉल्व मत कीजिए कि इंटीग्रेशन से काम। रो जी सी बी क्यूब बाय सिक्स, हाँ सही है। ये देखिए, इस स्मॉल फोर्स ये तो यही था ना, ठीक है। इस स्मॉल फोर्स की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, वाई, तो इनटू वाई करूंगा, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, स्मॉल टॉर्क। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो नेट टॉर्क मिल जाएगा ना। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, जीरो से लेके बी तक। कितनी आ रही है आर्यन, क्या बताया, रो जी सी बी क्यूब बाय सिक्स, रो जी सी बी क्यूब डिवाइडेड बाय सिक्स, यही है ना। नोट कर लिया, बायंसी। अब देखिए, बायंसी को समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या लिया कि अब देखिए, किसी को अगर थ्योरी पढ़नी है तो मैं बता देता हूं कि मैं कौन सी थ्योरी फॉलो करता हूं, एससी वर्मा और एस सी खलीडे,
ठीक है, तो अगर उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और मेरी थ्योरी देखेंगे तो बिल्कुल सेम एज इट इज मिलेंगी आपको, ठीक है। उसी को मैं थोड़े अपने तरीके से समझाता हूँ कि वो कहना क्या चाहता है। ये जो बायंसी है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट से इसको समझाया गया, ठीक। अगर मैं समझूं, मैंने कहा कि एक वॉटर टैंक है, वॉटर टैंक में पानी भरा हुआ है, वॉटर टैंक में आपका पानी भरा हुआ है, ठीक। अब वॉटर टैंक में पानी भरा हुआ है तो पानी तो कहीं पे मूव नहीं कर रहा, टैंक में रखा हुआ है पानी, ठीक है, तो पानी कहीं पे मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। इसको समझाने के लिए क्या कहा गया, मैंने एक सिंपल सा एक वॉटर का स्फीयर मान लिया, मैं वैसे ही सरफेस मानता हूं जिसमें लॉजिकली आंसर दे पाऊं, क्योंकि दो तीन पॉइंट यहीं पे डिफाइन करने हैं। मैं कैसा भी शेप मान सकता था, क्यूब मान सकता था, क्यूबॉइड मान सकता था, सॉलिड स्फीयर मान लिया, हॉलो स्फीयर, कुछ भी मान सकता था, लेकिन स्फीयर मानने से कई सारे पॉइंट्स मेरे को क्लियर हो जाते। मैंने मान लिया कि एक रूम में जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो पूरा पानी भरा हुआ है इसी में इमेजिन कीजिए कि पानी का एक बड़ा सा स्फीयर है, फुटबॉल है पानी का, ठीक है। जो पानी भरा हुआ है उसी को आपने क्या मान लिया, इसी पानी में एक आपने स्फीयर मान लिया जो पानी का ही बना हुआ है, ठीक। मैं सिर्फ इस स्फीयर को देख रहा हूं, मैं इस स्फीयर को देख रहा हूं तो मैंने कहा ये तो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक। ये जो पानी का गोला है ये आपका रेस्ट पोजीशन पे है, तो एलएलएम के हिसाब से अगर ये रेस्ट पोजीशन पे तो इसका नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो मैंने कहा कि इस पे तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे नीचे की तरफ mg, जो कि ग्रेविटेशन पुल है, ये तो लगेगा ना, इस स्फीयर पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। अब एनएलएम में हमने देखा कि अगर ये आपका जो पानी बना हुआ है ये अगर आपका रेस्ट पोजीशन पे है तो इस mg को बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स होना चाहिए जो कि ऊपर हो, इस फोर्स को मैंने बायंड फोर्स नाम दिया, ठीक। पहले तो ये सोचा गया, पहले हमने एनएलएम को इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा कि अगर ये पानी का गोला अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो अगर नीचे की तरफ mg लग रहा है इसका मतलब ऊपर की तरफ mg लगना चाहिए, इसको मैंने एक बायंड फोर्स नाम दे दिया, ठीक है। अब इस बायंड फोर्स को सोचा गया कि ये बायंड फोर्स लगाएगा कौन, ग्रेविटी तो लगा रहा है mg, ये मेरे पास प्रूफ है, लेकिन मैंने देखा कि अगर इमेजिनरी पानी का गोला है अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, ये फोर्स कौन लगा रहा होगा, जो इसके आसपास के लिक्विड है ये सब मिलकर इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ऊपर की तरफ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं जरिया इसको बैलेंस करने का, ठीक। तो इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कहा गया कि ये जो बचे हुए लिक्विड है इसके आसपास वाले, ये जो बचा हुआ लिक्विड है इसके चारों तरफ, ये सब मिलकर इस इमेजिनरी वॉटर की स्फीयर पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिसको मैं एक नया नाम दूंगा और उसको कहूंगा बायंड फोर्स, जो कि इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा, क्लियर है। अब मैं अगर इस बायंड फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूं कि बायंड फोर्स होगा क्या, तो मैंने लिखा कि पहले तो इधर मैथमेटिकली तो आ गया, मैंने कहा कि जो बायंड फोर्स है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, m डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g, ये आपने लिखा। अब यहां पे वॉल्यूम को देखा गया तो मैंने कहा कि ये जो पानी का गोला था ये पूरा का पूरा अंदर है, पानी के अंदर है, तो दूसरे तरीके से सोचे यहां पे वॉल्यूम हम लोग एक्चुअली में लिखते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ये कौन सा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, क्योंकि पानी का गोला है ना, तो यहां पे जो डेंसिटी है किसकी डेंसिटी है, वॉटर की डेंसिटी, जिस लिक्विड में डालेंगे उसकी डेंसिटी होगी यहां पे, ठीक। तो बायंड फोर्स कौन लगा रहे हैं, ये पूरे पानी मिलकर इस इमेजिनरी पानी के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए इस पानी के गोले को भूल जाइए, मान लीजिए इसकी जगह कोई दूसरी बॉडी रखी हुई है, ठीक है, कोई दूसरी बॉडी है,
मैं दूसरा फिगर बना लेता हूँ। कोई क्यूबॉइड पानी में आधा डूबा हुआ है, ठीक, और तैर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस पे एमजी तो नीचे लगी जाए, इस बॉडी पे एमजी तो नीचे लग रहा है, ठीक है। अब ये अगर तैर रहा है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता, या तो ऊपर मूव करता या तो नीचे मूव करता। ये तो लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसका मतलब ऊपर इस पे एक फोर्स लगेगा, उसको मैं क्या नाम दूंगा? बायन फोर्स। अब वो कौन लगा रहा होगा? जिसके आसपास वाले लिक्विड है वो इस पे फोर्स लगा रहे होंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। ये लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन अभी मैंने जब बायन फोर्स को डिफाइन किया था तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा था कि इमेजिनरी पानी का गोला माना, ठीक है। और जो इमेजिनरी पानी का गोला है वो मास एम था, मास ऑफ इमेजिनरी वॉटर, जो इमेजिन किया था मैंने कि पानी का स्फीयर है। ये मास किसका है? इस इमेजिनरी वॉटर की स्फीयर का मास है, ठीक है। अब आपने इस क्यूब को अंदर डाला पानी की, तो इसने अपने पानी को डिस्प्लेस कर दिया ना उस पोजीशन से। इतना जो पोर्शन है पानी का, इतना पोर्शन उसने डिस्प्लेस कर दिया चारों तरफ से, तो एक इमेजिनरी क्यूब बन जाएगा, इमेजिनरी क्यूबॉइड। इमेजिन कीजिए कि गड्ढा बन गया, आपने अंदर डाला तो एक गड्ढा बन गया, इतनी जगह खाली होगी पानी में, इतनी जगह पानी की खाली होगी। अब ये जो खाली जगह है इसी को क्या मान लीजिए? पानी। मान लीजिए पानी, ठीक है। तो इस पानी का जो वेट है, जो इमेजिनरी पानी का वेट है, वही एफ बी है। इसलिए मैं यहां पे क्या लिख रहा था? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, मतलब कि जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हुआ है। और ये डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। दोनों को कोरिलेट कीजिए, बस इन दोनों चीजों को कोरिलेट कीजिए। यहां पे जो आपने बायन फोर्स लिखा, तो यहां पे मास किसका था? इमेजिनरी वॉटर का मास था वो, तो यहां पे वॉल्यूम भी तो वॉटर का ही आएगा ना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू जी। लेकिन ये तो पूरा का पूरा वॉल्यूम है ना, जो पूरा का पूरा पानी के अंदर था, लेकिन यहां पे तो थोड़ा सा वॉल्यूम है ना। तो यहां से किसका वेट आएगा? लिक्विड डिस्प्लेस वेट। इसे समझते हैं कि बायंसी है क्या? बायंसी का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी लिक्विड में किसी भी बॉडी को डालूं, तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है पानी का, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है पानी का, तो उस इमेजिनरी पानी का जो वेट है वही बायन फोर्स के इक्वल है। अब आया समझ में कि बायंसी का मतलब क्या हुआ? क्लियर है? तो लिख लीजिए, यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और ये क्या है? वॉल्यूम डिस्प्लेस, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, इसको बायंसी कहते हैं। थोड़ा एक दो लाइन अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करके लिखिएगा। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे जो बायन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, बायन फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपसे थ्योरी में पूछा जाए कि बायन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? बायन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो भी बॉडी है उसमें कितना
वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी इज इक्वल टू बाकी साइड से क्वेश्चन पूछे गए काम, जो लिक्विड का वेट है जो कि बॉडी ने डिस्प्लेस किया वही बायन फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। और मेरे से पूछा गया कि बायन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, आपने कहा कि बायन फोर्स का डायरेक्शन तो अपवर्ड होगा, थोड़ा सा और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अभी जब मैंने इमेजिनरी पानी लिया था तो जो बायन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो तो इसके वेट के इक्वल था, और ये बायन फोर्स किस वाले पॉइंट से पास हो रहा था, इस इमेजिनरी पानी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था ऊपर की तरफ। आया समझ में? ठीक है, तो अगर मेरे से पूछा जाए, अब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ बायन फोर्स को। मैंने कहा कि बायन फोर्स, तो आपने कहा कि बायन फोर्स क्या है, जो भी बचे हुए लिक्विड है वो सब मिलके इस बॉडी पे बायन फोर्स लगाते हैं ऊपर की तरफ। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैंने कहा कि जो बॉडी है वो कितने वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बायन फोर्स। ठीक, अब मैंने बोला कि बायन फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो आपने कहा कि सर इसका डायरेक्शन वो होगा जो इमेजिनरी पानी है जो कि बॉडी ने डिस्प्लेस किया, उस इमेजिनरी पानी का जो सेंटर ऑफ मास है उस वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ होगा। ये मैंने डाला क्यूब को अंदर, वाटर डिस्प्लेस हो गया, एक इमेजिनरी क्यूब बनता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, ये जो इमेजिनरी क्यूब है ये इमेजिनरी पानी मान लीजिए, इस इमेजिनरी क्यूब का सेंटर ऑफ मास जहां पे होगा उसी पॉइंट पे बायन फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन। मैं लोकेशन बता रहा हूं कि बायन फोर्स एक्ट कहां पे करेगा। तो जो इमेजिनरी पानी है जो कि बॉडी ने डिस्प्लेस किया, उस इमेजिनरी पानी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहीं से बायन फोर्स पास हो रहा होगा। लिखिए इसका फिर एक एप्लीकेशन बताता हूं, बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और किस पॉइंट से पास हो रहा होगा, ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता, इमेजिनरी वॉटर के सेंटर ऑफ मास से पास होता है बायन फोर्स। हाँ, तो दोनों का सेंटर मास अलग अलग होगा ना, अभी ले रहा हूं एग्जांपल। आ गया समझ में? चलिए, अब आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े शीप होते हैं, ठीक, तो जो बड़े बड़े शीप होते हैं उसमें व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है, वो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, शीप आगे चलती है, ये करता है ना, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, न्यूटन थर्ड लॉ से आगे की तरफ एक रिएक्शन फोर्स मिलता है। ठीक है, अब बड़े बड़े शीप में जो व्हील्स लगे होते हैं, शीप की बात कर रहा हूं, रोड की मत समझ जाइएगा, पानी के अंदर है शीप, ठीक, तो उसमें व्हील्स लगे होते हैं, तो जो व्हील्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। मैंने कहा कि ये जो व्हील मैंने बनाया इसमें मटेरियल ऐसा यूज किया है कि इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां पे है, इस व्हील का ज्योमेट्रिकल सेंटर बिल्कुल सेंटर पे है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन व्हील में मैंने मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया हुआ है कि व्हील का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, हो सकता है ना, मैं यहां पे ज्यादा मास रखूं यहां पे कम मास रखूं, तो व्हील का सेंटर ऑफ मास यहां पे हो सकता है। अब इसको, इस व्हील को आपने पानी में डाल दिया, अब इस व्हील को मैं पानी में डालूंगा तो जो इमेजिनरी पानी बनेगा वो भी तो यही बनेगा ना, टायर के शेप का, तो जो इमेजिनरी पानी होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। इमेजिनरी पानी को सोचिए अब कि इमेजिनरी पानी है, तो इमेजिनरी पानी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, बीच में, इस वाले पॉइंट पे बायन फोर्स लगेगा ऊपर, और सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटी लगेगा नीचे। तो देखिए टॉर्क बन गया, ठीक है,
तो आपने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है कि इसको पहले से टॉर्क मिल जाए, उसके बाद में मोटर लगा दो तो और ज्यादा टॉर्क मिलेगा तो और अच्छे से रोटेट कर पाए। आया ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि अभी अनुष्का की क्लास होगी 5:30 ठीक है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे बताया ठीक। तो हम लोग इसको यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लिक्विड मोशन में आगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सरफेस टेंशन, ये तीन टॉपिक हैं जो हमें तीन लेक्चर में करना है ठीक है। ओके थैंक यू। वेलकम।